हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना है और यह हमारे शरीर की हर एक प्रोसेस जैसे मस्तिष्क के कार्य से लेकर मेटाबॉलिज्म तक को प्रभावित करता है। जब यह संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा शरीर जितना पानी लेता है उससे अधिक पानी खो देता है तो इसके परिणामस्वरूप डिहाइड्रेशन नामक स्थिति होती है। डिहाइड्रेशन माइल्ड से लेकर मॉडरेट और सीवियर तक होता है। इसलिए अधिक समझने के लिए प्रत्येक को डिस्कस करें। नंबर एक, माइल्ड डिहाइड्रेशन। प्यास, सूखे होंठ और मुंह, गले में हल्की खराश, निगलने में कठिनाई महसूस हो सकती है। क्या करें? इस अवस्था में बस पानी पिएं। नंबर दो, मॉडरेट डिहाइड्रेशन। थकान, शक्ति की कमी, सिर दर्द, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, पीला पेशाब, क्रैम्प्स, ड्राई स्किन। क्या करें? इस अवस्था में केवल पानी पीने से मदद नहीं मिलेगी, आपको पानी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने होंगे। यह नमक या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS के रूप में हो सकता है, जिसे कम समय में कई बार लेना चाहिए। नंबर तीन, सीवियर डिहाइड्रेशन। चक्कर आना, खड़े होने या बैठने में परेशानी, एक्सट्रीम ड्राई स्किन, पिंच करने से त्वचा में सुधार न होना, रोने पर आंसू न आना, क्रैम्प और मांसपेशियों में मरोड़, लो BP, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बुखार। क्या करें? इस अवस्था में व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यह जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति हो सकती है। डिहाइड्रेशन को ठीक करने का सबसे फास्ट तरीका इलेक्ट्रोलाइट्स को बदलने के लिए थोड़ा नमक और चीनी के साथ बहुत सारा पानी पीना है, या आप बस एक गिलास पानी में ORS का पाउच मिला सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने ORS की सिफारिश की है। यह इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स और ग्लूकोज का सोल्यूशन है जो शरीर से लॉस्ट फ्लूइड्स को रिप्लेनिश कर देता है। डिहाइड्रेशन के लिए प्रिवेंशन, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ये करें। पूरे दिन खूब पानी और तरल पदार्थ पिए, पानी से भरपूर सब्जियां और फल खाएं। गर्म और उमस भरे दिनों में व्यायाम के दौरान या अत्यधिक पसीना आने पर अपने तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाएं।